तुम समझती हो कि तुम्हारे सामने कही हुई बात की वजह से गजाला जुल्फी से शादी से इनकार कर देगी? इनकार नहीं करेगी तो कम से कम बात तो करेगी ना, झगड़ा तो होगा। भाभी, क्या आपको वाकई यकीन है कि चिकू अब जिंदा नहीं है? और वो जो लड़की कल गजाला को मिली थी वो कोई और थी? फालतू बातें नहीं करो जुल्फी, जो गुजर गया है उसे भूल जाना चाहिए। अब जल्दी से ये चश्मे उतारो और मुझे सुरमा लगाने दो। उन्होंने जबरदस्ती आज आज मेरी शादी तय की हुई, निकाह है उस गजाला के साथ। उस गजाला के साथ? लुफे, अंदर कौन है? बंदर है। किससे बातें कर रहे हो? बादशाह, वो भाग रहे। तो देख कर रहा, पकड़ा उनको जाके। इडियट, मैं अभी बनाता हूँ। ओ जल्दी आ गया। बस 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 तो वो झूठ नहीं था, वो लड़की सचमुच की थी। आप सब ने मिलके ना सिर्फ मुझसे झूठ बोला है बल्कि एक बेचारे इंसान के ऊपर गलत इल्जाम भी लगाया है। आपको उस लड़की से बात करना होगी, निगोशिएट करना होगा उससे, वरना ये रिश्ता नहीं चल सकेगा। मैं भी बहुत सीरियस हूँ, ईंटें उठा लूंगी बल्कि तुमसे भी उठवाऊंगी, लेकिन ख्वाब में भी मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। बाबा साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? बाबा साहब, बाबा साहब, तुम लोगों से तो कुछ होता नहीं है, मैं खुद जाकर ढूंढूंगा उसे। हाँ जुगनू, कैसी हो? जिंदा सलामत हो? जुल्फी की कोई खबर मिली? खबर क्या, जुल्फी खुद ही मिल गया है, लेकिन आपको पता है वो लोग वाकई जुल्फी की शादी कर रहे हैं। अच्छा, फिर? फिर क्या, बहुत लंबी स्टोरी है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। तुम्हारे जरिए वो दोनों याशी करना चाहते हैं, याद करो, वो तो पहले तुम्हें धोखा दे चुकी है, झूठ बोला था उसने तुमसे, वो झूठी और दगाबाज है जुल्फी। मैं कैसे मान लूं? बाबा साहब, वो मोर खबरदार, अब तुमने इस घर से बाहर कदम निकाला। देखो मियां, ये तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने बैठी है, रोज तुम हाथ उठाते थे, हम खामोश रहते थे, कुछ नहीं कहा, लेकिन अब इंतहा हो चुकी है। ये सामने बैठी है, अब खुद बताएं, पूछें इससे, उस रोज इसको 500 रुपए किस बात के दिए थे? वो बताया तो था कि यहां क्यों आई। यहां पता भी है, ये घर बार छोड़ के यहां, और चलो आ गई थी तो खाना तो तुक्का ले आती, आलू का भरता। अरे भैया, हम कौन से चटोरे लुत्फुन्नेसा हैं, जो सीधा साधा घर में पकाते हैं वही तुम्हें भी भिजवा देते हैं। अब हम दोनों बूढ़ी औरतें तुम्हारा भी बोझ उठाएंगे क्या? ये मैंने कब कहा? हेलो, तो फिर और क्या मकसद था? जलील करने घर बुलाया। ए भैया, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था, वो तो किशो इमली खा रही थी बस। हाय हाय हाय, आपा क्या हो गया तुम लोगों को? वो इमली तो मैं खुद खरीद के लेके आई थी अपने पैसों से, पूरे 25 रुपए की। मैं देख रही हूँ, उस वक्त से तुम दोनों को मर्ज लाहक है। ऐ बीबी, आज इमली खाओगी, कल मुल्तानी मिट्टी मांगोगी, परसों कैरी की फरमाइश कर दोगी, और फिर यहाँ चिया पिया शुरू हो जाएगी। भाई, हम इस उम्र में बच्चे बच्चे नहीं पाल सकते। है आपा, तुम्हारा पहले से भागने का इरादा था ना? नहीं। तो ये सब इत्तेफाक है? हाँ, कतई नहीं, इत्तेफाक है। मैं तो सबर कर बैठा था कि वो मर चुकी है। तुम्हारे हक में यही बेहतर होता अगर तुम यही समझते रहते कि वो मर चुकी है। अब आप मुझे धमकी दे रहे हैं। जुल्फी, मैं तुम्हारा भाई, तुम्हें धमकी क्यों दूंगा? क्योंकि आपने मुझसे झूठ बोला और उस बेचारी को कत्ल करवाने की कोशिश की। तुमसे उसी लड़की ने कहा है ना, झूठ बोल रही है वो। अपनी आंखों से देखे मैंने गोलियों के निशान। तो इसका ये मतलब है कि मैंने उसे गोली मारी? मैं तो यहाँ पे था। किसी को भी भिजवा के कर सकते थे। कम ऑन जुल्फी, तुम उसकी बातों में कैसे आ सकते हो? पढ़े लिखे नौजवान हो तुम, वो तो गली की
मतलब शोर भूल गए तुम तो अब आपके कहने का मतलब है कि वो भी इन्वॉल्व्ड है तुम बहुत सादा हो तुम बातें समझते नहीं डॉक्टर सादी बुरा वजह तो ऐसे नहीं करेगा इस लड़की को यहां भेजने वाला वही है इतने पैसे कहां से आए तुम्हारे पास डॉक्टर सादी ने दिए डॉक्टर सादी ने लेकिन उनसे तुम्हारा क्या ताल्लुक अरे उन्हीं की तो क्लिनिक पे गई थी मैं उन्होंने मेरी जान बचाई थी अरे क्या क्या बोलने जा रही हो कुछ सोच समझ के तो बोलो खुदा का तो खौफ करो अरे बाप को कहां से कहां लेके चली जा रही हो तुम दोनों तो अरे अरे एक तो बेपर के कव्वे बना रही हो ऊपर से उड़ा भी रही हो पहले ये कव्वे जुगनू के लिए उड़ते थे अब तो सबके लिए उड़े अरे लो भैया अरे मैं ही बुरी अरे भैया मुझे गोद के खा जाओ सब क्योंकि सबको समेट के जो बैठी हूँ अरे सारी बुराई की जड़ में सारे फसाद का मंबा में अरे मेरे ही बस पीछे पड़ जाओ सब हर बात मेरे ऊपर डाल दिया करो तुम लोग तो बस जितना ख्याल रखो कोई मुझे बोले क्या करूं भैया ये है अच्छा चलो अरे छोड़ो आप जाएंगे क्या छोड़ो जितना ख्याल रखो तुम लोगों का उतना ही मेरे ऊपर सारी बात डाल देते हो अच्छा चलो फिर मैं चलती हूँ देखो ना तो पहले कभी मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है ना आप करूंगा अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो ठीक है करो जो तुम्हारी मर्जी अगर तुम सच जानना चाहते हो तो आओ मेरे साथ जुगनू और वो फोटोग्राफर मिलकर तुम्हारे जरिए से बाबा साहब को लूटना चाहते हैं और मेरे पास इसका सबूत है चलो दिखाओ तुम चलो जुल्फी चलो अजीब खपती औरत है ये तुम्हारी बहन अरे भाई वो जो समझी उन्होंने बोल दिया अब इतनी भी खपती नहीं उन्हें मालूम नहीं उनकी बेऔलाद बहन से निभा कर रहा हूं ये तो दुनिया को कहने की बात है क्या कह रही हो कुछ नहीं जो सच है वो बोल दिया चलो शहजादे जब तक आप मुझे पूरी बात तफसील से नहीं बताएंगे मैं अंदर नहीं जाऊंगा देखो जो वो आदमी पहले भी जुगनू को इस्तेमाल करके तुम्हारा फायदा उठा चुका गाड़ी से तो पेट नहीं भरा उसका ऊपर से इतना बड़ा हक मेहर भी लिखवा लिया और एन शादी के दिनों में उस पर फायरिंग भी करवा दी कराची में रोज फायरिंग होती है हजारों लोग मरते हैं ये भी एक हादसा था और वो सिर्फ ये कह रहे हैं ताकि तुम्हारी हमदर्दी हासिल कर सके और फिर जुगनू आज यहां किस लिए आई क्योंकि वो जानती है कि तुम जायदाद के हिस्सेदार हो सोने की चिड़िया हो तुम जुल्फी मोम की नाक हो जिधर चाहोगे मोड़ लेंगे वो फोटोग्राफर तो सारी उम्र काम करके इतने पैसे नहीं कमा सकता तुम्हारे जरिए वो दोनों याशी करना चाहते याद करो वो तो पहले तुम्हें धोखा दे चुकी है झूठ बोला था उसने तुमसे वो झूठी और दगाबाज है जुल्फी मैं कैसे मान लूं देखो मेरे पास एक आइडिया लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पे रुकना पड़ेगा ताकि वो तुम्हारे पीछे आए और तुम खुद अपनी आंखों से देख सको लेकिन जुल्फी मैं तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी वजह से मैं अपने ससुराल में शर्मिंदा हूँ ना फिर भी अभी भी मुझे तुम्हारी भलाई अजीज मैं तुम्हारे लिए बुरा तो नहीं चाहूंगा ठीक है लेकिन सिर्फ एक दिन रुकूंगा मैं
और अगर वो ना आई तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अपना फोन मत रख। चलो शाबाश, आ जाओ आ जाओ। सही। मेरे हस्बैंड आए तो उन्हें दे दीजिएगा एक। जी बेहतर, लेकिन वो तो दिन में भी नहीं आए, मरी में ही है ना। जी बेहतर। नहीं नहीं, अरे नहीं, मजाक कर रही थी मैं। ले आया हूँ उसे बाबू साहब। आने कैसे दिया उस चुड़ैल ने? उसे मालूम नहीं कि ये मेरे साथ है, ये तो चर्च में करा था, वहीं से लेकर आया हूँ। बड़ी मासी, पीछा नहीं छोड़ेगी इसका। उसका भी एक हल है मेरे पास। What's that? इससे मिलने और इसको ये भी बता दें कि इसकी वजह से आंटी और आयशा के सामने कि मैं कितना शर्मिंदा हूँ। अगर इसे इस बात की परवाह होती तो वो ये सब करता ही क्यों? अब किसी ना किसी तरह तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना। अगर रोजाला इतनी जल्दी ना चली जाती तो हम इनका निकाह आज रात को ही कर देते। जी बस लोगों को पहचानने में गलती हो जाती, शादी इतना बदल जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जो कागजात उसने भेजे थे वो हैं तुम्हारे पास? मेरे पास ही है बाबा साहब, लेकिन वो शादी का जो भी करंट स्टैंड है मेरा नहीं ख्याल हमें यूज करने चाहिए। उस इडियट को भेजो, मैं पूछता हूं उससे। गो गेट हिम। जी बस। अस्सलाम वालेकुम वकील आंटी। जुल्फी फिर से गायब है। ओह फिर से? हाँ, मुझे आपके पैसे तो मिल गए थे, लेकिन जुल्फी कमरे में बैठा बैठा बोर हो रहा था तो मैंने कहा तुम माल पे घूमाओ, बाबा साहब को शक भी नहीं होगा। लेकिन उसके बाद से उसका फोन भी ऑफ है और वो भी नहीं मिल रहा। अरे हो सकता है उसका फोन कहीं गिर गया हो या फिर किसी ने निकाल लिया हो, मॉल में तो ऐसे वाकयात होते रहते हैं। हाँ हाँ हो सकता है, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है भाई। देखो जुगनू, तुमने इतना हौसला किया है ना, तो थोड़ी सी हिम्मत और करो, तुम उसे ढूंढो को मिल जाएगा। कहीं वो फिर से तो नहीं भाग गया? देखो कबलज वक्त तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ ऐसा करो, तुम उसे ढूंढो, रात तक उसका इंतजार करो, अगर वो रात तक नहीं आया तो फिर उसके घर जाके पता कर लेना। देखती हूँ। बस परेशान मत हो। शुरू हो जा। You have any idea what you've done? तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारी कितनी बदनामी हुई है। आयशा की मामा को और अपने सब जानने वालों को मुंह दिखा नहीं सकता, सर उठाकर उनके सामने बात नहीं कर सकता। जबरदस्ती ले गई थी मुझे वो बाबा साहब। वो मुझे जबरदस्ती ले गई थी बागल। तुम बच्चे हो? आर यू अ बेबी? डायपर पहनते हो, चूसने लगाते हो, इडियट। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया था। अब समझ में आ गया है, वो लड़की एक फ्रॉड है, एक बहुत बड़े फ्रॉड का हिस्सा है। बाबा साहब वो मोर खबरदार, अब तुमने इस घर से बाहर कदम निकाला। हम सिर्फ 3 दिन 4 दिन यहां हैं, उसके बाद हम वापस जा रहे हैं। तुम कॉलेज छोड़ दोगे और मेरे साथ रहोगे ताकि मैं तुम्हारी निगरानी कर सकूं। So I can keep my eyes on you. तन्वी भाई ने कहा था हम सिर्फ 1 दिन के लिए यहाँ। और वो तुम्हें लेकर कहाँ गई थी? एक चीप थर्ड रेट होटल में। वहाँ कितने दिन रहते? तुम जो इतनी लग्जरीज के आदी हो, रह सकोगे ऐसी जगह पे? कोशिश तो की जा सकती है, और वो वहाँ भी तो आ सकती है। बस, no more.
दो टोक बात यह है कि उन लोगों ने तुम्हें उल्लू बनाने की प्लानिंग की और तुम बने बनाए उल्लू उन्हें मिल गए। दफन। अब तुम चुपचाप मेरे साथ गांव चलोगे, जहां मैं कहूंगा वहां तुम शादी करोगे। That's it, that's the deal, done deal. बाबा साहब। बस। That's the done deal. Okay. मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊं, उसका भी कुछ पता नहीं चलता। कभी साथ देता है, कभी ऐसे अकेले छोड़ जाता है। आज भी तो ढूंढ के ले आए हो, उस दिन ढूंढ लेते तो। बाजार में थोड़ी बिक रहा था, छुपा हुआ था कहीं पे, आज नजर आया तो पकड़ लिया। वैसे गजाला बहुत दुखी है, वो इस पूरी बात को अपना इंसल्ट समझ रही है। ये सिर्फ उसकी नहीं, हम सब की इंसल्ट है। उस लड़की से तो मैं सब बदला लूंगा कि याद रखेगी। वैसे गजाला डॉक्टर सादी की बहुत तारीफ कर रही थी। डॉक्टर सादी का जिक्र कहां से आ गया? उसने जो करना था वो किया और वो यहां से भाग गया। उसका अब इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या वो यहीं पर है? फिर तो वो जरूर आएगी जुल्फी को अपने साथ ले जाने के लिए। जानता हूं, लेकिन इस बार मैंने ऐसा इंतजाम किया कि याद करेगी कहां आ गई। क्या क्या किया है? बस देखना। वैसे क्या वो वाकई जुल्फी से मोहब्बत करती है? कमाल बात करती हो आयशा, मेरी बात गौर से सुन। अमीर आदमी से कोई मोहब्बत नहीं करता, ये ताल्लुक तो सिर्फ चौंक और भैंस को होता है। चौंक और भैंस का, चौंक को खून चाहिए और जब तक भैंस में खून है उसे चिमटी रहेगी। That's all. तो इन दोनों में जोंक कौन है? ओ भाभी आ गई हैं, भाभी ओ क्या आगे छोड़ू तो पैसे भी देता नहीं, बस नखरे करता। चलो उतर यहाँ से, निकल। ओ बादशाह, अरे इतनी रात को, ओ लोनली लोनली, ओ वेरी वेरी सैड। ओ सब खैर तो है? वो आपके साहब जी नजर नहीं आ रहे, किधर है वो? साहब जी तो गुम गए यार। अरे फिर टेंशन किस बात की, अरे गुम हो गए तो क्या हुआ, और ढूंढ निकालेंगे आपके स्मार्ट बॉय को। कहां से ढूंढेंगे, मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गई मैं सब। मैडम आप तो इतनी जल्दी हार मान गई हैं? हिम्मत है ही कहाँ। तुम्हें पता है नूम, अच्छा मैं क्या सोचती हूँ? मैं अक्सर सोचती हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊं, उसका भी कुछ पता नहीं चलता। कभी साथ देता है, कभी ऐसे अकेले छोड़ जाता है। अरे मैडम हम तो आपको अल्फा ब्रावो चार्ली समझते थे, आप इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकती। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, आपका जो लवली बॉय है ना, उसको सुबह मैंने किसी आदमी के साथ देखा था, वही है जो उस दिन आप लोगों का पीछा कर रहा था। थोड़ा बहुत सैड मैड मुझे भी लगा, आपकी तरह साइको केस ही है वो भी। है?
मुझे पता था तनवीर भाई उसे भगा के ले गए होंगे। मैडम आप आए, नूर जहाँ की सवारी तैयार है, आपको दस्ती पहुँचा दूंगा कोठी में। अभी नहीं, सुबह जाऊंगी और एक एक की खबर लूंगी। अभी अपनी गाड़ी में बिठाओ और मुझे जल्दी से होटल पहुँचा दो। बिस्मिल्लाह मैडम, टेंशन ना ले। डोंट हैव फेयर व्हेन अशरफ इज हियर। चलो भागो भागो भागो। ये क्या कीमा है? ये कैसा कीमा है? बाजार में ऐसे ही मिलता है। सुबान तो देखो कैसी लंबी है। ऐसा क्या कह दिया मैंने? बहनों की शह पे उछल रही हो, है ना, इसीलिए मेरी अदालत लगाई थी। सुन लो, डरने वाला नहीं, डरने वाला नहीं। मैं क्यों उछलने लगी? जो कीमा मिला पका दिया। अरे जो जुबान चल रही ना कैंची की तरह, कतर 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 कतर। बात सुने, बात को ना बढ़ाए ज्यादा। बात मैं बढ़ा रहा? उस रक्षे वाले के सामने कौन बोल रहा था? कौन कह रहा था कि नुक्स मुझ में है? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। जो कहा था वो काफी था। बदजुबान औरत, हर वक्त बड़बड़, हर वक्त बड़बड़। अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हारी जुबान कैंची की तरह है तो शादी ही ना करता मैं तुमसे। और सुन लो, मैं शोहर हूं तुम्हारा, मर्द हूं, मर्द हूं मैं। तनवीर, तनवीर, बाहर कोई है? वही होगी। जुगनू, तनवीर, तनवीर प्लीज प्लीज, अगर जुगनू हुई तो वो मर जाएगी। तो मर दे, तो आज इसका किस्सा ही खत्म कर दूं। कोई नहीं आया बाबा साहब। मैं बाहर भी जाता हूँ। तुम यही रहो, मैं देखता हूँ। यहाँ आई थी ना इसी घर में? नहीं, आप लोगों को बिला वजह खामखा परेशान हो। सुर्खी में बिला वजह हैंड्स अप। क्या कर रही हो कि गोली चल जाएगी यार? मैं इन्हें बताती हूँ कि गोली लगने की तकलीफ क्या होती है। जुगनू, रिलैक्स। बाबा साहब।
तुम इस वक्त रात को मटकी में बदरू की तरह कांप रही हो? मुझे आवाज आई थी, कोई है यहाँ पे? हाँ मुझे भी आवाज आ रही, इसलिए मैं चेक करने आया। ऐसा करो तुम अंदर जाओ, मैं वहां जाके देखता हूँ। नहीं जाइएगा, तुम्हारा ख्याल है कि मैं एक लड़की से डरता हूँ? उसके साथ और भी लोग हो सकते हैं बाबा साहब। यस गुड पॉइंट, राइट, उसके साथ और लोग भी हो सकते हैं। आओ अंदर चलो, मैं फायर करता हूँ, ये सुनकर वो लोग भाग जाएंगे। ओके 1 2 3 गोली मैंने थोड़ी चलाई है। गोली की आवाज बाहर से आई है। तो अब बता तो तुम्हें असली मौत क्या होती है? तकदीर भाई, प्लीज इसको रख दे, प्लीज इसको रख दे। नहीं चलाने दे गोली, चला रहे मुझ पे गोली, मुझे मारेंगे ना जुल्फी के सामने तो सारी उम्र जुल्फी आपको जालिम में मुझे मजलूम समझेगा। चलाए चलाए मुझ पे गोली। देखो अपने ड्रामे कहीं और जाके करना, छोड़ो एकान और यहाँ से जाओ। नहीं जाऊंगी, मैं जुल्फी को नहीं छोड़ूंगी, इसने मेरी जिंदगी खराब की, अब तो मैं जुल्फी के साथ ही रहूंगी। देखो अभी बाबा साहब का मूड बहुत खराब है, गुस्से में कुछ भी हो सकता है, तुम अभी यहां से जाओ। मैं जुल्फी को लेके जाऊंगी। देखो हम कल बात करेंगे, आराम से बात करेंगे, मैं वादा करता हूँ कोई ना कोई हल निकल आएगा, अभी लेकिन तुम्हें जाना। तुम्हारे सारे वादे लारे लप्पे होते। जुगनू प्लीज बात सुनो, इस वक्त तुम चले जाओ प्लीज, मेरी खातिर प्लीज। सुबह आऊंगी मैं, भागना मत, जमीन की आखिरी तह से निकाल लूंगी मैं तुम्हें। कब मिलेंगे यार? जाओ पर नहीं है, अंदर भी कुछ नहीं है बाबा साहब, मेरा ख्याल है वो बंदर थे। बंदर? बंदर थे नहीं, बंदर है दोनों तेरी आंखों के सामने, इडियट। वापस रख दो। मार तो नहीं दिया उसे? कातिल तो नहीं हूं जो मारता फिरूंगा लोगों को। आ गई आपको भी ये बात समझ में? हाँ आ गई है, सुल्फी बहुत ही सादा है, पर ये लड़की निगोशिएट करना चाहती है। उसने जुल्फी को सिर्फ इसलिए भगाया था ताकि अपनी ताकत दिखा सके। क्या मतलब? आई डोंट अंडरस्टैंड। आयशा उस लड़की के साथ जो लोग हैं उन्हें जुल्फी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ पैसे में, लेकिन अब उन्हें भी समझ आ गई कि जुल्फी उनके हाथ नहीं आएगा, इसलिए कुछ भी ले दे के मामला हल करना चाहते हैं। तनवीर खुला के डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास है ना, आई मीन उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इन दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है, व्हाई डोंट यू जस्ट शो इट और ये मामला खत्म करें? वो तो मेरा ट्रम्प कार्ड है, अभी नहीं यूज करूंगा, अभी तो सिर्फ जुल्फी को जुगनू की असलियत दिखानी है। जुगनू कितनी बहादुर लड़की है, सबको नचा के रखा हुआ उसने। बहादुर नहीं, ढीठ लड़की है वो। डॉक्टर सादी की तरह तुम भी उसके चक्कर में ना आ जाना। आखरा किया उसने। तुम्हारा उस लड़की से अब कोई ताल्लुक नहीं है और मेरे पास इसका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी है।
नहीं पता, मैं भी जुगनू हूँ जुगनू, ऐसे जान नहीं छोड़ने वाली इनके। हेलो जी आंटी, वो जुल्फी वो फिर से ले गए, लेकिन इनको नहीं पता कि मैं क्या चीज हूँ। ऐसी की तैसी कर दूंगी इन सबकी, गले बड़ा ढोल हूँ तो बजाना पड़ेगा ही। हाँ फिक्र नहीं करे, चल भाई जुगनू तैयारी पकड़ ले, इन सबको तो एक एक करके पूछूंगी। अरे हाय कमबख्त ने इस हाल में भी मारा, अरे ना मुराद कहीं का, मगर बीबी अपनी इज्जत अपने हाथ है। अरे तू भी तो आगे से इतने सवाल जवाब करती है, चुप हो जाया कर। है आपा जहांगीर, रहने दो बस ऐसे हाल वाल को, लानत भेजो। शाहजहान मेरे तो दिल में हौल उठ रहे हैं अपनी किशो का हाल देखकर। ये मर्द ऐसा ही होता है, जरा जबान फैली औरत की और वो दी चार चोट की मार। आइए अपनी जुगनू के स्मार पे फिर रही है वो। आपा तुमने सुना है ना कि रूप की रोए और कर्म की खाए, बस नसीब है नसीब। हाँ भैया ये तो ठीक कहा तुमने, अरे मगर किशो। हाँ आपा। अरे शाहजहान अगर नागवार ना गुजरे तो जरा ठंडा ठंडा इलायची का शरबत तो बना के ले आ, जरा दिल ठहर जाएगा। है आपा भला मुझे क्यों नागवार गुजरेगा, वो तो बागली जुगनू ही है, बिला वजह बोल जाती है, अभी बना कर लाती। रोक दो बस रोक दो। बाकी मैं खुद ही चली जाऊंगी। और ये तुम ये लो। नहीं बाजी हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अरे मेहनत की है तुम्हारी, मजदूरी दे रही हूँ। नहीं बाजी आपने हम जैसे सुपरस्टार को इज्जत दी, हमने तो आज तक अपने आप को मुंह नहीं लगाया, आपने फिर भी हमें थोड़ा बहुत घास डाला, हमारी गप छप सुनी। बस आपसे ये गुजारिश है आप हमारे लिए दुआ करें कि हम जैसे सुपरस्टार को एक फिल्म में रोल मिल जाए, हम आपको सारी जिंदगी दुआएं देंगे। मिल जाएगा। वैसे अगर आपको हमारी सवारी की याद आए, हम इधर नुक्कड़ पे खड़े होते। आज बात ये है किशो, शाहजहान के सामने नहीं कहना चाहती थी, वरना वो तो मैं जूतियों के सर पे सवार हो जाती। अपनी जुगनू जैसी भी है बदजबान है, लेकिन अकेली जान ने पूरा घर संभाल रखा था। अब बुरा ना मानना बहन, मगर कह ये रही हूँ। माफ करना आपा जहांगीर, तुम्हारी सारी बातें मुझे समझ में आ रही हैं। अरे ये क्यों नहीं कहती कि तुमको मुफ्त की नौकरानी मिली हुई थी, मगर भाई हमसे ये तवक्का ना करना। ये जो घड़ी दो घड़ी को तुम्हारे घर आती हूँ ना, तो इस पे शुक्र अदा किया करो, वरना तो ये दोनों माँ बेटियाँ तुम्हें बेच के खा जाती और तुम्हें पता भी ना लगता। और ये जो तुम्हारी औलाद तुम्हें पैसे भेजती है ना, तो पलट के पूछती भी नहीं है कि अम्मा जीती हो या मर गई। है अल्लाह का शुक्र ही है कि अल्लाह ने मुझे औलाद ना दी, अच्छे बच्चे होते तो तुम्हारे जैसे और बुरे होते तो उस जुगनू के जैसे, इसे तो हम बे औलाद ही अच्छे। बस आप इस नूरजहां बादशाह को एक मिस कॉल कर दे, ये नूरजहां की सवारी आपके कदमों तक खड़ी हो जाए। ठीक है अभी ये पकड़ो और जरूरत होगी तो बुला लूंगी तुम्हें। बाजी वो आपका मिस कॉल के लिए नंबर मिस हो गया। पकड़ो। जहां खूबसूरत लड़की देखी वही लाइन मारना शुरू, ये तो मत सारे होते ठगी, नंबर चाहिए पागल। अच्छा होता बाबा साहब अगर आप जुल्फी को भी साथ ले जाते, मुझे आपकी फिक्र ना होती। फिक्र कैसी माय बॉय, दिन का वक्त है, रास्ता मेरा देखा बाला है, दोस्त को मिलने जा रहा हूँ। जुल्फी अगर तुम चलना चाहते हो तो कम मिलनी। बाबा साहब मैं रेस्ट कर लूँ। बात ठीक है, रेस्ट करो। नहीं नहीं तुम साथ जाओ। तुम क्यों चाह रहे हो कि जुल्फी मेरे साथ जाए? मैं तो आपके लिए कह रहा था बाबा साहब, वरना मुझे क्या जिधर भी जाए जिस मर्जी से मिले। What do you mean जिस मर्जी से मिले? Nothing बाबा साहब। Look my boy, अगर तुम ये समझ रहे हो कि जुल्फी दोबारा भागेगा तो ऐसा नहीं होगा। क्यों जुल्फी, तुम अपने बाप के खिलाफ अपने बाबा जान के खिलाफ तो नहीं जाओगे ना? नहीं बाबा साहब।
तुम्हारा उस लड़की से अब कोई ताल्लुक नहीं है और मेरे पास इसका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी है। ओके बॉयज, हैव फन, डोंट फाइट। ये क्या कह रहे थे पापा साहब? जब वापस आएंगे खुद ही पूछ लेना। तुम सिर्फ अब एक ही काम करो अगर तुम्हें जुगनू अजीज है। क्या? जब मैं उससे बात कर रहा तो तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगे किसी भी सूरत। एंड आई मीन किसी भी सूरत। लेकिन देखो जुल्फी, इस मसले का सिर्फ एक ही हल है कि मैं उसकी डिमांड सुन लूं। और एक और बात भी तुम्हें याद कराता जाऊं, मखमल में टाट का पेवन नहीं लग सकता। अगर मामला मेरे हाथ से बाहर निकल गया तो बाबा साहब उसे वाकई मार सकते। चलो वादा करो, वादा करो कि तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलो। जेब में से हाथ निकालो और वादा करो। कम ऑन जुल्फी। जुगनू को डरपोक समझते हैं? डरपोक तो तुम लोग खुद। दरवाजा खोलो! जुगनू से पंगा लिया है? तुम लोग तो ऐसे पैसे, ये लोग ऐसे नहीं। पिंकी को मैं ऐसे के पैसे करूंगी? सारे के सारे समझते क्या है खुद को? दरवाजा खोलो! आज तो एक अरे वो किसी वक्त भी यहाँ पहुंच सकती है। जुल्फी से तो मैंने बात कर ली है, समझा दी है, वो अपने कमरे में रहेगा, लेकिन एहतियातन बाहर से ताला लगा दे। अच्छा। देखो आयशा, ये जहानत की जंग, जो दूसरे को दबा देगा वही जीतेगा। तो मेरी कान निकाल देना, डर के बात करेगी छोड़ेगी। लगता है वो आ गई है। मैं गन लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम जुल्फी का दरवाजा लॉक करो, गन मैं खुद ले लूंगा। ओके। यहाँ पे जुगनू के साइन लिए गए थे, साइन थोड़े आसान थे इसलिए खुला के पेपर पे कॉपी कर लिए। इसका मतलब है ये सब फ्रॉड है। जस्ट इमेजिन, एक लड़की को भगा के लेगी। मैं बहुत परेशान हूँ, वो आ गई है और बहुत बिफरी हुई है। कभी नहीं मानेगी। मानेगी। जुल्फी के बदले में क्या लोगी? आप तो बाबा साहब से बहुत ज्यादा अकलमंद निकले। 24 घंटे के अंदर खुला के पेपर तुम्हारे सामने। तुम क्यों अपनी जिंदगी तबाह करना चाह रही हो? वो भी एक ऐसे आदमी के लिए जो ना तुम्हें डिफेंड कर सकता है, ना तुम्हारे लिए स्टैंड ले सकता है। Why?